तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। फाइनली डंकी की ऑफिशियल रिलीज डेट आ गई है। जी दोस्तों, खुद शाहरुख खान ने ये अनाउंस किया है कि मूवी कब आनी है। तो अभी बात करेंगे कब कहां और किस प्लेटफॉर्म से SRK ने अनाउंस किया, ये न्यूज कितनी सच है कितनी नहीं। लेकिन उससे पहले एक नजर इस पे डालेंगे कि जवान हाल फिलहाल में क्या तबाही मचा रहा है। भाई साहब, SRK ने जो इस साल में रॉयल एंट्री के साथ पठान से कमबैक कर लिया था, और अब जवान में जो तबाही मचा रहे हैं हम सब देख ही रहे हैं। जी दोस्तों, कल पहले 9 दिन में ही एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से मूवी 400 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी थी, और पूरी दुनिया से कल एंड ऑफ द डे तक पहले 9 दिन में ही 725 से 726 करोड़ के अराउंड में मूवी ने कमाई कर ली थी। जी दोस्तों, कल गदर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन के मात्र 9 दिन में ही खदेड़ दिया जवान ने। तो भाई SRK ने तो सॉलिड बॉम्ब फोड़ रखे हैं, दो सॉलिड बॉम्ब, एक साल की शुरुआत में ही फोड़ा और एक सितंबर में जो अभी हम देख रहे हैं, और अब तीसरा बॉम्ब दिसंबर में फोड़ने के लिए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, सही सुना, डंकी मूवी को दिसंबर में रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं SRK एंड राजकुमार हिरानी जो डायरेक्टर हैं डंकी मूवी का। जी हां दोस्तों, आफ्टर संजू 4 से 5 साल का गैप के बाद राजकुमार हिरानी डंकी नामक बॉम्ब की बारी SRK के साथ फोड़ना चाहते हैं इस बार। देखो, राजकुमार हिरानी ऐसा डायरेक्टर है जिसका कॉन्टेंट पर लोगों को संदेह नहीं होता, और जितनी भी ये फिल्में लेकर आते हैं थोड़ा हटके होती हैं, और ब्लॉकबस्टर तो होती ही होती हैं, साथ में जबरदस्त बिजनेस भी करके जाती हैं। और इस साल तो SRK की फॉर्म वैसे ही सॉलिड चल रही है, पठान और जवान का सीधा एडवांटेज डंकी मूवी को मिलने वाला है। दूसरा, राजकुमार हिरानी इस नाम का भी एडवांटेज डंकी मूवी को मिलने वाला है। उसके बाद शाहरुख खान का नाम जो ग्लोबल स्टार के रूप में अब उभर चुका है, सीधा फायदा डंकी मूवी को मिलने वाला है। तो यह कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि डंकी जो है पठान और जवान का भी बाप होने वाली है। मुझे तो लग रहा है डंकी डेफिनेटली बॉलीवुड का पूरा इतिहास बदल देगी, इवन मैं कह रहा हूं इंडियन सिनेमा का इतिहास बदल जाएगा। जो बाहुबली 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन रिकॉर्ड है 1800 करोड़ का, अब लग रहा है इस मूवी में वो दम है जो इस रिकॉर्ड को बीट डाउन कर सकती है, क्योंकि जवान के बाद SRK ने साउथ पब्लिक में अच्छी जगह बना ली है, पकड़ बना ली है। तो सारी जो प्रिडिक्शंस हैं, सारे जो डेटा हैं, सब SRK को फेवर कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टर का होगा, चाहे पठान जवान मूवी का हो गया, चाहे शाहरुख खान की जो फैन फॉलोइंग पहले से जो और ज़्यादा हो चुकी है, ज़बरदस्त हो चुकी है, वो सारे फायदे डंकी को मिल रहे हैं, डंकी को सीधा फेवर मिल रहा है। तो नो डाउट ये मूवी मैं मान के चल रहा हूँ 2000 करोड़ टच करेगी ही करेगी डेफिनेटली। तो दिसंबर क्रिसमस में मूवी को रिलीज करा जाएगा अराउंड 22 या फिर 23 दिसंबर को। ये सारी चीज़ें खुद SRK ने अभी हाल फिलहाल में हुए जवान की बिग ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी में, जहां पर आई थिंक सभी लोग मौजूद थे, उनके सामने ये चीज रिवील करी है। तो उन्होंने खुद ये रिवील करा है कि दो बॉम्ब को हम पहले ही फोड़ चुके हैं और तीसरा बॉम्ब इस बार क्रिसमस में फोड़ने वाले हैं। और इतना अच्छा टाइम है ना, ये क्रिसमस का हॉलीडे का फायदा मिलेगा, बीच में सैटरडे संडे आएंगे उसका फायदा मिलेगा, तो 31 सितंबर का भी फायदा मिलने वाला है, उसके बाद न्यू ईयर का तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं कह रहा हूं इतने सारे हॉलीडेज मिलेंगे तो मूवी को 10 दिन के अंदर ही 1200 करोड़ टच करने में किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। 1000 करोड़ तो ये टच करेगी ही करेगी, मैं मान के चल रहा हूं कि 1200 से 1300 करोड़ के आंकड़े को भी इजीली टच कर जाएगी, और मे भी हो सकता है उस समय तक 1500 करोड़ के आंकड़े को भी टच कर जाए एक बार के लिए। ये मैक्सिमम प्रिडिक्शन है, ये मैक्स टू मैक्स प्रिडिक्शन है, लेकिन मिनिमम प्रिडिक्शन ये मान के चल रहे हैं, मिनिमम कलेक्शन ये मान के चल रहे हैं कि 1200 करोड़ ये अपने 10 दिन के अंदर टच करेगी ही करेगी। तो आपकी क्या राय है, क्या आपके हिसाब से मूवी 10 दिन के अंदर 1200 करोड़ टच ही करेगी या क्रॉस करेगी, या फिर 1500 करोड़ क्रॉस कर सकती है, या अभी भी किस लोगों का ये कहना है कि 1000 करोड़ ही टच कर पाएगी, और क्या लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बाहुबली के 1800 करोड़ के रिकॉर्ड को ये मूवी तोड़ सकती है, क्या इसमें इतना दम है, ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। फटाफट अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।